राजस्थान में हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दौसा से। दौसा के सैंथल में बाछड़ी तिराहे के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। निजी बस और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि बस में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं और खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे सभी। बस का टायर पंचर हो गया। सड़क किनारे बस को खड़ी करके खलासी टायर बदल रहा था, उसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे खलासी समेत बस में सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लक्ष्मी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, अपडेट बताएं मामले में। लक्ष्मी, सुन पा रहे आप मुझे? लक्ष्मी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी 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 मैंने जी लक्ष्मी अपडेट बताया हादसे में। पूरा वाकया सैथल थाना क्षेत्र के बाछड़ी तिराहे के है, जहां एक निजी बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। निजी बस के जो लोग हैं वो यूपी के आगरा के निवासी हैं और खाटू श्याम मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उनकी बस का टायर पंचर हो गया था। चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और जो खलासी था वो टायर बदल रहा था। इसी दौरान एक पीछे से तेज गति से ट्रक आया और ट्रक ने पीछे से बस के टक्कर मार दी, जिसके चलते खलासी और एक बस यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना पर सैथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। वहीं दो जो मृतक थे दो लोग, उनको उनके शव जो जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी मनी, शुक्रिया आपका लक्ष्मी अवतार तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और यहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ट्रक और बस की टक्कर से दर्दनाक हादसा सामने आया है।